आप लोगों ने देखा होगा जब पूजा आरती हो जाती है तो पंडित जी जल लेकर आपके ऊपर और आप आगे आने की कोशिश करते हो। क्यों? नहीं ये नहीं मालूम, मगर इतना है कि वो जल ठीक रहता है, ये तो नहीं मालूम, बट वी नो इट वेरी वेल कि वो अच्छा होता है। नहीं, उसके पीछे भी विज्ञान है, उसके पीछे ये विज्ञान है कि जहां ठाकुर जी विराजमान हैं, वो जलपात्र जब ठाकुर जी के पास होता है तो जो पूजा की ऊर्जा है, जल में ताकत होती है ऊर्जा को कैप्चर करने की। इसलिए आपके हमारे जितने मठ मंदिर हैं उन सब में कुएं बावड़ी या जितने तीर्थ हैं सब नदियों के किनारे होते हैं, वहां कुएं बावड़ी कुंड आदि इत्यादि जरूर मिलेंगे, और उन कुंडों का पानी, उन जल स्रोतों का पानी औषधि होता है। हम वहां आचमन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वहां ऊर्जा का भंडार है और पानी ऊर्जा को सोखता है। तो जो ठाकुर जी के पास आचमनी रखी हुई है जिसमें जल होता है या शंख होता है, उसके अंदर जितनी पूजा हमने की है उस जल ने उस ऊर्जा को खींच लिया है। तो जब वो ऊर्जा का वो पानी हमारे ऊपर गिरता है तो हम धन्य धन्य हो जाते हैं और ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाती है। ये इसका विज्ञान है। इसलिए लोग जो है अब मुझे लगता है आज ज्यादा भीड़ होगी, हम पे नहीं गिरा, गिरना चाहिए सब पर। ये अपने आप में औषधि है साहब, सबके ऊपर छींटे पड़ने चाहिए। ये अमृत है, वो वहां रखा पानी जब यहां आके पूजा में आ जाता है तो वो जल जो है अमृत हो जाता है, वो औषधि बन जाता है और वो औषधि आपके जीवन का कल्याण कर देती है।